ताइवान को लेकर अमेरिका अब चीन के साथ आर पार के मूड में है। दरअसल चीन के लाख चेताने के बावजूद पहले अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी एकाएक ताइवान के दौरे पर आ गई, जिसके जवाब में ताइवान को धमकाने के लिए चीन ने ताइवान के समुद्री और हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करते हुए अभी तक की सबसे बड़ी मिलिट्री डील की। लेकिन अब अमेरिका चीन की चौधराहट को निकालने के लिए आगे आ गया है। नैन्सी पेलोसी के बाद अमेरिकी सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल ताइवान के दौरे पर आया है। इस प्रतिनिधिमंडल ने ताइवान की राष्ट्रपति से मुलाकात के साथ साथ एक बंद कमरे में मीटिंग भी की है। इस मीटिंग के बाद ही ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने कहा कि अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद बीजिंग के अभूतपूर्व सैन्य दबाव पड़ने के बाद हम वॉशिंगटन के साथ सुरक्षा और सप्लाई चेन जैसे मुद्दों पर काम करेंगे। एक तरफ जहां अमेरिकी सांसदों का प्रतिनिधिमंडल ताइवान की राष्ट्रपति से मुलाकात कर चुका है, वहीं दूसरी तरफ अब अमेरिका ने भी ताइवान के आसपास हवा और समुद्र में मिलिट्री ड्रिल करने का ऐलान कर दिया। अमेरिका का यह ऐलान चीन को एक सीधी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इस पर एशिया प्रशांत मुद्दों के लिए व्हाइट हाउस के समन्वयक और राष्ट्रपति जो बाइडेन के सलाहकार कर्ट कैंपबेल ने कहा कि तनाव के बावजूद अमेरिकी सेना नेविगेशन की स्वतंत्रता के लिए हमारी पुरानी प्रतिबद्धता के अनुरूप जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून अनुमति देते हैं वहां उड़ान भरना, नौकायन और संचालन करना जारी रखेगी। इस सब के बीच अमेरिका सांसदों के हालिया ताइवान दौरे से चीन पूरी तरह से तिलमिलाया हुआ है। अमेरिका में चीन के दूतावास ने ये तक कह दिया कि अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों की अमेरिकी सरकार की वन चाइना नीति के हिसाब से काम करना चाहिए। कांग्रेस सदस्यों की नई यात्रा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अमेरिका ताइवान के समुद्री और हवाई क्षेत्र में स्थिरता नहीं देखना चाहता। अमेरिका ने दोनों पक्षों के बीच टकराव को भड़काने और चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई कसर नहीं छोड़ा है। वहीं चीन के इन आरोपों का जवाब देते हुए व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के एक प्रवक्ता ने कहा, कांग्रेस के सदस्य दशकों से ताइवान जाते रहे हैं और ऐसा करना जारी रखेंगे। इस तरह की यात्राएं अमेरिका की लंबी समय से चली आ रही हैं, एक चीन नीति के अनुसार है। इस सब के बीच ये कहना मुश्किल होगा कि ताइवान के मुद्दे को लेकर चीन और अमेरिका किस हद तक जा सकते हैं, क्योंकि चीन ने जो मिलिट्री ड्रिल पहले की थी अब उसको लेकर चीन ने कहा है कि वो नियमित रूप से ताइवान के आसपास ऐसी मिलिट्री ड्रिल करता रहेगा। और चीन के इसी रुख से ये साफ हो जाता है कि अभी ये विवाद इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाला है।